आज मैं केबल टीवी से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आया हूँ। केबल टीवी ये काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। पहले एनालॉग था, जब एक दूसरे में वायर टच कर लेते थे, और उस वक्त तो टीवी में उतने चैनल भी नहीं थे। 12 चैनल्स की टीवी आया करती थी, ब्लैक एंड वाइट, उसमें खटका था, उस खटके को घुमा के आप लोग 12 चैनल्स देख पाते थे। केबल टीवी में कई लोग सालों से व्यवसाय में हैं और जीवन यापन का साधन भी सिर्फ और सिर्फ वही है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती गई और एनालॉग से डिजिटल पर आ गए लोग। उसके बाद कंट्रोल रूम्स खुलने लगे, 12 टीवी के जो चैनल्स थे, पहले तो चैनल भी सिर्फ दूरदर्शन ही आया करता था, बाद में काफ़ी सारे नए चैनल्स आने लगे। स्टार ने शुरू किया, जैन टीवी करके एक पहले आता था उन्होंने शुरू किया, जी ने शुरू किया, न्यूज़ चैनल्स आए। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, बदलती गई, और उसके बाद आया DTH, डायरेक्ट टू होम। एक छतरी होती है जिसके ज़रिए आप अंतरिक्ष में सैटेलाइट से सिग्नल लेंगे और अपने घर में टीवी देख सकते हैं। जब ये आया तो केबल टीवी जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जाने लगी, कई लोगों के हाथों से रोज़गार छीनने लगा, और इसके तकरार विरोध बहुत सारे हुए। केबल वालों ने भी बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग केबल टीवी मत निकालिए, लेकिन फिर भी जिन्हें अनइंटरप्टेड सर्विस चाहिए थी वो DTH की तरफ मुड़ गए। कुछ नया था इसलिए भी DTH की तरफ घूमते गए लोग। अनइंटरप्टेड सर्विस ये तो कोई है ही नहीं आज के ज़माने में। सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती ही है। टाटा स्काई हो, DTH हो, कुछ भी हो, अगर ज़ोरदार बारिश आएगी, हवा आएगी तो बंद हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में टाटा स्काई, DTH वगैरह वगैरह नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश पानी आते रहता है, तूफान आते रहता है। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में DTH लग चुके हैं, DTH लग जाते हैं, बारिश आती है तो DTH बंद हो जाती है। अभी मैं केबल टीवी के लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, केबल के व्यवसाय से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जब भी बात हुई है, जब भी पता चला है, तो मुझे यही पता चला लोग केबल टीवी वालों को, मतलब सभी लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग तो केबल टीवी वालों को एकदम तुच्छ समझने लगे हैं। उनकी भाषाएं, बात करने का तरीका, ये सब कुछ बिल्कुल भी अलग हुआ करता है। उनका ऐसा मानना रहता है कि 100 रुपये ज़्यादा जाएंगे तो चलेगा, हम DTH ले लेंगे, केबल टीवी वाले तो सर्विस ही नहीं देते। सर, हर आदमी चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके की सेवा दे, बहुत अच्छे तरीके से रखे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम जो है उसका उपाय जिस तरीके से टाटा स्काई के पास नहीं है, इस तरीके से केबल वालों के पास भी नहीं है। टाटा स्काई आप जब लगाने जाते हैं तो आपसे 1500-2000 रुपये लिया जाता है, और आपको महीने दो महीने का पैक कोई फ्री लगा के दिया जाता है। आप आते हैं घर पे, वो टाटा स्काई लगवा लेते हैं, उसके बाद उसको इंजॉय करते हैं। सर, कभी टाटा स्काई वालों को, DTH वालों को, किसी भी डायरेक्ट टू होम वालों को फ़ोन करके देखिए, उनको बोलिए कि अभी घर आ जाओ, हमें परेशानी है। क्या वो लोग आते हैं? नहीं आते, वो लोग आ भी नहीं सकते। तो उनके पास आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, ये वो। एक समय तो ऐसा आता है कि उनकी एक आने जाने की लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो आपको उसका चार्ज देना पड़ता है 200-400 रुपये। जितने डिस्टेंस रहते हैं उस हिसाब से वो लोग चार्जेस भी लिया करते हैं। अगर आपकी छतरी हिल गई तो उसको सेट करने के लिए आने के वो लोग चार्जेस लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी केबल टीवी वालों ने आपसे कभी सेटिंग के लिए, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, आपके घर में पिन टूट गई, आपके घर में कुछ परेशानी हुई, तो उन्होंने आपसे कोई पैसा मांगा हो? नहीं, वो लोग पैसा नहीं मांगते। वो आते हैं, कहते हैं नमस्ते सर, नमस्ते अंकल, नमस्ते भाभी जी, और आपके कभी कभी तो पर्सनल काम भी कर देते हैं वो लोग। पर्सनल काम दैट मीन्स कुछ उठाना रहा, कुछ रखना रहा, कुछ भारी वस्तु आप इधर उधर से हटा रहे हैं, तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। केबल टीवी वाले आपके साथ लगातार हैं, जब भी आप फ़ोन उनको करते हैं तो वो लोग आते हैं, आपके पास सर्विस देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी केबल टीवी वाले हैं जो ऑपरेटर्स हैं, जो नहीं आ पाते हैं समय पर, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन 90% केबल ऑपरेटर ऐसे हैं जो सर्विस देने के लिए आपके घर तक हमेशा पहुँचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अब अगर आप केबल टीवी निकाल कर DTH लगाते हैं तो जो उनका घर परिवार चल रहा है वो किस तरह से चलेगा? क्या आपने सोचा है कि आपका एक एपिसोड मिस कर जाता है
और आप केबल निकलवा लेते हैं, तो उस केबल टीवी वाले जो व्यक्ति हैं उनका परिवार किस तरह से चलेगा? क्या उनके परिवार की खुशियां, उनके परिवार का निवाला आपके एक एपिसोड से ज़्यादा ज़रूरी है? समस्याएं सभी को आती है, हम मानव इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, और हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं इसलिए हम लोग मानव, वरना जानवर तो एक दूसरे से लड़ते ही रहते। DTH आपके पास कितनी हेल्प हो रहा है पर्सनल तौर पे? आपको एंटरटेनमेंट देता है, अनइंटरप्टेड नहीं दे पाता है क्योंकि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम आएगी, बारिश आएगा, बादल आएगी, तो वो भी बंद होगा, उस वक्त आप किसको शिकायत कर लेते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान को ये नहीं कह सकते कि भगवान बारिश बंद करो, हम अभी इंटरटेनमेंट देख रहे हैं, हमारा एपिसोड छूटा जा रहा है, ये आप DTH में नहीं बोलते हैं। लेकिन केबल टीवी वाले को चार बातें सुनाते हैं कि हमारे जब हमारा समय होता है केबल का, तभी आप केबल बंद रखते हैं। सर, कोई भी अपनी तरफ से केबल बंद नहीं रखता है, अपनी सर्विसेज को बंद नहीं रखता है। ज़रा सोचिए आप, आपके शहर में और कितनी सारी समस्याएं हैं, और क्या आप केबल टीवी वालों को जिस तरह से हड़काते हैं, डांटते हैं, क्या आप बाकी के लोगों से इसी तरीके से बात कर पाते हैं? मोबाइल के टावर्स में, मोबाइल में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या आप मोबाइल वालों को फ़ोन करके बोल पाते हैं बार बार कि आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है? क्या मोबाइल वाले जब नेटवर्क नहीं दे पाते हैं और आपका फ़ोन नहीं लगता है, तो क्या आप रिचार्ज के पैसे वापस ले लेते हैं उनसे? बिजली विभाग बिजली बंद कर देता है, बिना बताए भी बंद कर देता है, DP जल जाती है, कभी वायर हो जाता है, कभी स्पार्क हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि अब हमारे यहाँ से बिजली काट लो? नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बिजली का, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। आपके पास उतनी डेयरिंग नहीं है कि आप बिजली विभाग को ये बोल पाएँ कि हम जनरेटर पर काम चला लेंगे, तुम बिजली काट लो। फिर केबल टीवी वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? DTH है पर्याय, है अच्छा पर्याय है, जहाँ पर केबल टीवी नहीं है वहाँ पर DTH बहुत अच्छा पर्याय है। लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से केबल टीवी को निकाल देना, केबल वालों से गलत बात करना, क्या आपके दिल को ये लगता है, सही लगता है? अगर सही लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातें सुनने के बाद आपको ये सब कुछ सही लग पाएगा। आपके शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, कई बार पानी नहीं आता है, क्या आप पानी का बिल भरना छोड़ देते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि पानी का नल काट लो, हम लोग पानी का जार मंगा लेंगे? क्या आप ये बोलते हैं उन लोगों को, पानी वालों को, कि तुमने 10 दिन पानी नहीं दिया था तो इस महीने हम पानी का बिल जो है वो 10 दिन का काट के देंगे? नहीं, सड़कें नहीं हैं आपके शहर में, आपके यहाँ रास्ते नहीं, आपके सामने बहुत सारी असुविधाएँ हैं। आप सरकार से, आप महानगर पालिका से, आपके प्रशासन से बोलने की हिम्मत रखते हैं कि आप हमें सर्विस नहीं दे रहे हैं, हमारी सड़कें हटा लो, हम टैक्स नहीं भरेंगे? सर, जब्ती कर लेंगे आपके यहाँ आके। केबल टीवी वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उनका रोजी पानी उसी के ऊपर चलता है। हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए मानवता के नाते। जो व्यक्ति आपके पास सालों से आ रहा है, केबल टीवी की सर्विसेज दे रहा है, आप अपने एक एपिसोड की वजह से, आप अपनी थोड़ी सी खुशियों की वजह से उसकी पूरी खुशियाँ, रोटी निवाला तक छीनने के लिए तैयार रहते हैं। सर, मैं किसी केबल टीवी वाले का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी केबल टीवी वाले के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम आदमी होने के नाते विचारधारा से बोल रहा हूँ कि क्या ये सही है? हमारा इंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, हमारा इंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि हम किसी का निवाला छीन लेंगे लेकिन हम इंटरटेनमेंट अपना नहीं छोड़ेंगे। सर, बिजली जाती है, फाइबर कटती है, बहुत सारी परेशानियां लोगों को होती है, और हर रोज़ नहीं होती है, कभी कभी होती है, किसी किसी को रोज़ हो जाती है। पोलाइटली बात करेंगे तो केबल टीवी वाला वो सॉल्व कर देगा। हाँ, अगर महीनों तक वो सर्विस नहीं दे रहा है तो ज़रूर उसको निकाल दीजिए, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि केबल टीवी वालों के साथ रहिए। DTH, डिश टीवी, सब कुछ अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि केबल टीवी वाले का परिवार आपकी वजह से चल रहा है, और आपको इन सब बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। जय हिंद।